प्रवासी अवार्ड शुरू किए हैं, बड़िया हस्तियों को इतने बुलाया है। ओमपुरी साहब आए, राज बब्बर आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, किरण बेदी होरी आए, बड़े सारे हजे होर भी बुलावांगे। पर एक शख्सियत जिन्हां बारे असी हमेशा घर च भी गल करते होंगे और ए लगता कि साढ़े परिवार का हिस्सा ही नहीं, और मैं तो बहुत बार ए लगता पिता समान मेरे वास्ते, जिन्होंने एक जिन्हों का बड़ा अजीब जहा रिश्ता है और कई बार शब्दों से भी रिश्ता बयान करना बड़ा मुश्किल है। और उन्हों का नाम है सरदार मिल्खा सिंह। हज़ार लखां करोड़ों लोगों के वो रोल मॉडल ने लाइफ के एक अपने आप से कैसी वो मिसाल ने कि जिन्हों कभी भी थोड़ा निराश होवे, मन ढहंदा होवे, मन तो उन्होंने बारे सोच लवो तो थोड़े अंदर एक जोश भर जाता है। वो अपने आप एक ऐसी मिसाल ने दुनिया के किस तरह उन्होंने बड़ा ही संघर्ष का समा देखिया, पर अपनी मेहनत लगन ईमानदारी दे नाल बेदाग हो के उन्होंने जीवन च काम किया हमेशा ही। शायद इस करके वो अथलीट तो दुनिया च बड़े ने, पर जिहड़ा उन्होंने सन्मान मिलिया वो शायद विरले टावे के हिस्से आंदा है। तो मेरे नाल लाइन ते ना तुहाडियां बहुत मैनूं कॉल आ रही सी, टैक्सट मैसेज आए कि उन्होंने पुछो उन्हां दा हाल चाल, तो मेरे नाल लाइन ते एक दो मिनट लई आए है। सत श्री अकाल जी। मैं अपने आप नूं फिट रखना है, अगर जो कोरोना ले जाना चाहता ले जाए, मैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड, बट द थिंग इज कि मैं एक्सरसाइज नहीं करी। मैं आज सवेरे भी जॉगिंग करके आया और थोड़ी ब्लड प्रेशर रही, तो मैं दो चार दिन ठीक हो जावांगा। चलो बहुत बहुत सानू अच्छा लगा तुहाडे नाल गल हो गई है, यही सानू जी है तुहाडे नाल गल हो गई है, मैनू सानू यही खुशी है। ठंड पै गई तुहाडे नाल गल करके बड़ा अच्छा लग गया, गल कर ली इन्ना ही मजा आ गया बस। So nice of you. Thank you very much. And मेरे वालों सारे अनु सत्श्री अकाल और बहुत बहुत प्यार सारे। अच्छा कदों कदों कदा होया, किन्ने दिन हो गए हैं? नहीं जो कोरोना होया तो कल ही होया। कल ही होया जी, अच्छा जी, कल पॉजिटिव आए हो, पर किवें महसूस कर रहे हो इस वेले बॉडी? नहीं बिल्कुल ठीक है, वाहेगुरु की मेहर है। अच्छा जी, डॉक्टर पीजीआई कंसल्ट आने ने इतने घर ही आ जाने बेचारे। अच्छा जी, वो कहने नहीं कोई दवाई लैन की लोड़ नहीं, बिल्कुल तुसी दो चार दिन दे विच बिल्कुल उस तरह ही हो जाओ जिस तरह पहले। ठीक है जी, और तुसी इन्नी मेहनत की है जिंदगी भर, इन्ना तुसी भजे हो, तुहाडे फेफड़े भी स्ट्रोंग ने, और आई एम श्योर कि तुहानू ऑक्सीजन दी किसे है ना जी। इसे करके मैं डॉक्टर नु यही कहा कि मैं जिथे भी जाना मैं तो लोगों नु ये कहना कि अगर कोरोना तो बचना तो एक्सरसाइज दे नाल भी कोई चीज ही है नहीं जी, एक्सरसाइज करते रहोगे तो कोरोना तुहाडे नजदीक नहीं आ सकता। नथिंग टू वरी डॉक्टर पीजीआई सारे कहने मिल्खा जी तुम बिलकुल ना घबराओ, यू विल बी ऑल राइट आफ्टर 3-4 डेज। अच्छा आंटी का की हाल है आंटी जी? आंटी जी बिलकुल ठीक ने, उन्हें लत्तां गोडे वगैरह जिहड़े ने रह गए ने, पर उन्हां नूं ते कोरोना नहीं है, चली जा रहे ने। उन्हां दा टेस्ट नेगेटिव है, उन्हां दा टेस्ट करवाया? हां उन्होंने टेस्ट करवाया, वो ठीक ने। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तुहाडी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तुसीं कितें कहा सी भी मैं इन्ने साल हो गए दवाई भी नहीं खांदा और मैं रोज एक्सरसाइज करदा, और एक्सरसाइज करोगे डॉक्टर दे कोल जाण दी लोड नहीं, वो तुहाडी वीडियो इन्नी पॉपुलर है जी। नहीं रजिंदर जी तुसी बिल्कुल ये गल ठीक कह रहे हो, जिस फंक्शन ती मैं जावां मेरी सब तो पहला गल ये होंदी है कि अगर फिजिकली तुसी फिट हो तो सारा जमाना तुहाडे नाल जी, अगर तुसी फिजिकली फिट नहीं तो कोई ईवन तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे भैण भरा तुहाडे धी पुत्र भी साथ छड़ जांदे ने जी, बिल्कुल। इस करके फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी चीज है और जिथे मैं जाना है वही चीज गाइड करना। अच्छा चलो ये चीज जी आई है जिहड़ा कोरोना हुण आया है कायम ने। देखो 90-92 साल की मेरे ख्याल उम्र हो गई होनी है और कायम ने हजे भी, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने उन्होंने कहा जी 2-3 दिन बिलकुल ठीक हो जाओगे, अज दूसरा तीसरा दिन है और कोई उन्होंने परेशानी नहीं किसी तरह की सेहत की, तो नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। और ये करोना ने सानू ये भी सिखाया है इस मौके कि सब तो ज़्यादा पहला सेहत जरूरी है। तुम देख रहे हो लखां करोड़ों रुपइयां के मालक अरबां के मालक नहीं बच रहे, मंत्री संतरी कोई नहीं बच रहा, उही बंदा बच रहा है जिसकी सेहत वधिया है। तो
ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ।